थानेसर अनाज मंडी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से कुरुक्षेत्र के पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने शिरकत की। यह कार्यक्रम वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुभाष गुप्ता एवं अंकित गुप्ता द्वारा आयोजित किया गया। इसमें अनाज मंडी के आढ़तियों एवं किसानों ने मुख्य रूप से शिरकत की। नवीन जिंदल ने कांग्रेस प्रत्याशी निर्मल सिंह के लिए चुनाव प्रचार किया और 12 मई के लिए वोट मांगे। आपका और मेरा रिश्ता कोई राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरे को आप लोगों के बीच आने के लिए ना तो कोई नेता बनने की जरूरत है, ना कोई सांसद बनने की जरूरत है। आपसे हमारा रिश्ता 25 साल पुराना है। जब ओम प्रकाश जिंदल जी यहाँ पे आए थे 95 में आए, 96 में आकर उन्होंने चुनाव लड़ा, आप लोगों ने उन्हें जिताया, बहुत प्यार दिया, अपना आशीर्वाद दिया, तब से हमारा एक ये रिश्ता है। इसलिए आपके बीच में जो मैं आता हूँ वो मैं आपके बेटे की हैसियत से आता हूँ, आपके भाई की हैसियत से आता हूँ। मुझे कोई एमपी बनने, एमपी तो आपने मुझे 10 साल मुझे बना करके रखा और उन 10 सालों के अंदर मैंने बहुत सूझबूझ से यहाँ के सभी मुद्दों को सरकार के साथ, केंद्र सरकार के साथ रखना, राज्य सरकार के साथ रखना, संसद में उठाना, आपका जहां जहां हो सकता होगा पता करोगे सब जगह आपका नाम रोशन किया। हल्के के अंदर जो कहीं पर कोई सांसद नहीं करता था, हर वर्ग के लिए युवाओं को स्पोर्ट्स की किटें देना, गांव गांव के अंदर जिम बनाना, शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाना, महिलाओं के लिए जो है जगह जगह सिलाई सेंटर खुलवाना, कहीं मेडिकल कैंप, कहीं आंखों के कैंप, लाखों ऑपरेशन आंखों के करवाए, जितना कुछ हो सकता है मैं अच्छा करने की कोशिश की। हमेशा मन में ये तड़प रहती थी कि जब लोगों से मुझे इतना प्यार और आशीर्वाद मिलता है मैं लोगों के लिए कुछ अच्छा करके दिखाऊं। अर्थ प्रकाश टीवी के लिए कुरुक्षेत्र से कुलदार सिंह की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।